हाय दोस्तों, वेलकम टू द टर्टल स्ट्रेटजी। आपके लिए 29th जनवरी के लिए कुछ स्टॉक्स लाया हूँ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज नेगेटिव ट्रेंड लगा है, एक अच्छा खासा ट्रेंड पैटर्न बना हुआ है। सो नेगेटिव ये 1200-1800 के नीचे ये नेगेटिव रहेगा 1218 के नीचे, और ये पॉजिटिव होएगा 1260 के ऊपर ही लगभग पॉजिटिव ट्रेंड में आएगा। बट अनलेस एंड अनटिल अगर ये लेवल ब्रीच होता है 1218 के नीचे तो ये शॉर्ट पोजीशन बनती है। दूसरा है विप्रो। विप्रो भी नेगेटिव ट्रेंड लग रहा है मुझे, बट 353 के नीचे ये नेगेटिव रहेगा फॉर स्टॉक लॉस 0.5% के लिए, और टारगेट होएगा इसका 1%, 2%, 3%। और पॉजिटिव तो फिलहाल दिख नहीं रहा है इसके अंदर, और पॉजिटिव अगर इनकेस हुआ तो क्लोजिंग अबव इसका 6365 के ऊपर हुआ तो एक अलग सेटअप पे चले जाएगा। सो अनलेस एंड अनटिल विद द इसका करंट सिनेरियो के हिसाब से ये नेगेटिव ट्रेंड दिखने में आ रहा है। एक्सिस बैंक पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अगर ये 3650 के नीचे जाएगा, उसको ब्रीच करेगा, तो ये नेगेटिव ट्रेंड बन जाएगा। और एल्स हमें इसे पॉजिटिव आने के लिए एक परफेक्ट लेवल्स पे हमें वेट करना पड़ेगा एक्सिस बैंक को, क्योंकि इसमें प्रॉपर एंट्री नहीं करेंटली बैठी है बाई साइड के लिए। और अगर 3650 के नीचे जाता है तो हम सेल साइड को देखेंगे। एम एन एम काफ़ी फॉल आ चुका है डाउन ट्रेंड के करीब, एक अच्छा पैटर्न भी बना हुआ है। तो अगर 685 के ऊपर ये जाता है तो एक अच्छी बाइंग पोजीशन लगेगी बैठेगी, तो पॉजिटिव रहेगा एम एन एम 685 के ऊपर, जिसका स्टॉप लॉस 0.5% होएगा। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, सो पॉजिटिव रहेगा एबो 431 के ऊपर, जिसका स्टॉप लॉस 0.5% रहेगा, और नेगेटिव रहेगा बिलो 407 के नीचे। सो एक ये ज़रूर हमें लेवल पे ध्यान रखना, अगर 431 के होता है ब्रीच तभी हम एंट्री के लिए देखेंगे और एल्स अवॉइड करेंगे। और 407 के नीचे जाएगा तो एक नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट है इंडिगो। इंडिगो पॉजिटिव लग रहा है, सो ये पॉजिटिव रहेगा 1191 के ऊपर और नेगेटिव रहेगा 1142। हालांकि इसके बीच में काफ़ी बड़ा 3 से 4% का गैप नज़र आ रहा है, तो शॉर्ट पोजीशन हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि इतना डाउनफॉल होने के बाद हमारे 0.5% स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो बेटर रहेगा। बट नेगेटिव ट्रेंड ये 1142 के नीचे नेगेटिव ट्रेंड होएगा, बट थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह उससे स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। और अनलेस एंड अनटिल अगर 1191 ऊपर क्रॉस होता है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा अच्छा खासा इंडिगो के लिए। सो दोस्तों, ये थे स्टॉक्स कल के दिन के लिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग डे, बेस्ट ऑफ लक।